की भरूच जिला गुजरात की आर्थिक विकास यात्रा में इतना वाइब्रेंट हो जाएगा, इतनी तेजी से भरूच जिला आगे बढ़ेगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। इस जिले में से बड़े बड़े दिग्गज नेता पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज वर्तमान सरकार ने ये करके दिखाया है। और विकास किसको कहते हैं? यहां कंपनी के कर्ता धर्ता लोग बता रहे थे कि हमने 2011 में एमओयू साइन किया और आज 9-10 महीने के भीतर भीतर उस काम को पूरा करके हमारा उद्योग उत्पादन की ओर आगे बढ़ रहा है। गुजरात की आज जो दुनिया में पहचान बनी है, उसका एक कारण एफिशिएंसी है, गुड गवर्नेंस है, सुराज्य है। हमारे देश के पास इतना सामर्थ्य है, हमारे देश के पास इतने संसाधन है, हमारे देश के पास इतनी उत्तम टैलेंट है कि अगर बिना रुकावट के उन्हें अगर अवसर दिया जाए तो यह देश दुनिया के किसी भी देश से तेज गति से तरक्की कर सकता है। ये आज के इस अवसर से आप अनुभव कर सकते हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके पास अपना कोई रॉ मटेरियल नहीं है। हमारे पास स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, आयरन ओर। हमारे यहां 1 किलोग्राम भी आयरन ओर इस गुजरात की धरती पर नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन का काम गुजरात की धरती पर हो रहा है। जिनको ये दिखता नहीं है, वो सुबह शाम दिन रात गुजरात के खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन ये आपके सामने, आंखों के सामने विकास किस प्रकार से आगे हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। गुजरात के पास कहीं पर भी हीरों की खदान नहीं है, डायमंड हमारे पास नहीं, लेकिन आज दुनिया के अंदर 10 में से 8 डायमंड गुजरात की धरती पर तैयार होते हैं। जिस किसी के पास डायमंड होंगे, मैं दावे से कहता हूं उसमें से 8 डायमंड वो होंगे जो मेरी गुजरात की धरती से आपके पास पहुंचे। ये सामर्थ्य है। हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास नर्मदा के सिवाय 12 महीना बहने वाली पानी की सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली, हिंदुस्तान में तेज गति से बिजली के कारखाने लगाने का काम एक गुजरात की धरती पर हो रहा है। और आज बिजली के क्षेत्र में
हम नए सीमा चिन्हों को पार कर रहे हैं। ये सूरज नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बना उसके बाद नहीं निकला है, सूरज पहले भी निकलता था, सूरज की धूप पहले भी महसूस होती थी, सूरज की गर्मी अब सब अनुभव करते थे, लेकिन किसी को यह न सूझा इन सूरज की गर्मी से बिजली पैदा करके गुजरात के जीवन को बदला जा सकता है। आज गुजरात दुनिया का सोलर एनर्जी का कैपिटल बनने जा रहा है मित्रों, और कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान का तो कैपिटल बन ही जाएगा, ये मेरे शब्द लिख के रखिए। मैं श्रीमान पूंछ से पूछ रहा था कि आप विंड टर्बाइन लगा रहे हो, अब विंड टर्बाइन बनाने की मोनोपोली हमारी गुजरात की ही एक कंपनी की नहीं है, हमारे तुलसी तंती उस काम को कर रहे हैं। अब एक नई कंपनी आई है, वो मुझे कह रहे थे देश में 30,000 मेगावाट से 50,000 मेगावाट तक विंड एनर्जी की संभावना है। भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर 20-25 साल पहले विंड एनर्जी का प्रयास हुआ था, कुछ बुद्धिमान लोग उन चीजों को जानबूझकर के लोगों को भुला रहे हैं। 20-25 साल पहले कोशिश हुई थी और सारी दुनिया को मालूम है कि उस समय विंड एनर्जी को लगाने के पीछे कैसे षड्यंत्र हुए थे, कैसे भ्रष्टाचार हुए थे, सारी सरकारें उस समय की कैसी बदनाम हुई थी। अगर 25 साल पहले के अखबार निकाल लोगे तो आपको भरा हुआ नजर आएगा। उसके बाद गुजरात में विंड एनर्जी के क्षेत्र में कोई गया नहीं, किसी ने एंट्री नहीं की। मित्रों, आज गुजरात विंड एनर्जी में भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आज हमारा अनुमान है कि गुजरात में 10,000 मेगावाट बिजली विंड एनर्जी के माध्यम से इंस्टॉल करने की संभावनाएं पड़ी है। हमारी विंड वेलोसिटी इतनी तेजी से ये काम हमें दे सकती है और आज करीब 25 लाख यूनिट बिजली विंड एनर्जी से हमें प्राप्त हो रही है। हम किस प्रकार से एनवायरमेंट की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, ये उससे उदाहरण के रूप में है। भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं, लेकिन उसमें रुकावटें डालने की लाख लाख कोशिशें हो रही हैं। जब हम वायब्रेंट समिट किया, दुनिया भर के पूंजी निवेशक गुजरात की धरती पर आ रहे थे, गुजरात की धरती पर अपना कारखाना लगाना चाहते थे, उस समय गुजरात विरोधियों ने, गुजरात द्रोहियों ने राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए। भारत के वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी, देश के फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि मोदी जो वाइब्रेंट समिट कर रहा है उसमें जो उद्योगकार यहां पूंजी लगाने आ रहे हैं उनके यहां इनकम टैक्स की रेड करनी चाहिए, तलाशी लेनी चाहिए। क्यों भाई, क्या ये गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या गुजरात की प्रगति का लाभ हिंदुस्तान को नहीं होगा? क्या गुजरात के अंदर कोई कारखाना लगता है, बिहार के किसी बच्चे को रोजगार मिलता है, उत्तर प्रदेश के किसी बच्चे को रोजगार मिलता है, तमिलनाडु का कोई आदमी यहां आकर के कमाई करता है, क्या वो देश की सेवा नहीं है? लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोग दिल्ली में उन्हीं के लोग गुजरात के अंदर विकास न हो इसलिए वित्त मंत्रालय को कहते हैं कि आप इनकम टैक्स की रेड करो ताकि गुजरात में ना आए। भाइयों बहनों, ये षड्यंत्र क्यों हो रहे हैं? ये षड्यंत्र सिर्फ सत्ता और राजनीति का सिर्फ खेल नहीं है,
दो कदम उससे भी आगे है। वे परेशान है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, लेकिन विकास के मामले में न दिल्ली की इतनी बड़ी सल्तनत मोदी के गुजरात से स्पर्धा कर पा रही है और न ही महाराष्ट्र की सरकार स्पर्धा कर रही है। और अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करो, गुजरात को बदनाम करो, गुजरात को उलझन में डालो ताकि ये सारे उद्योग वाले गुजरात छोड़कर के महाराष्ट्र चले जाएं और महाराष्ट्र की इज्जत बन जाए। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की लाभ भलाई के लिए, कांग्रेस के शासनों की भलाई के लिए गुजरात को तबाह करने के षड्यंत्र ये नेता लोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरा तो एक ही मंत्र है, गुजरात का विकास। मुझे गुजरात के विकास के सिवा कुछ नहीं चाहिए। गुजरात के घर घर तक ये विकास पहुंचे, ये मेरा सपना है। और इसलिए मैं गुजरात की जनता से आह्वान करता हूं, आइए, गुजरात को तबाह करने पर लगे हुए झूठ फैलाने वाले, रुकावटें पैदा करने वाले उन सारे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ एक स्वर से गुजरात आवाज उठाए और विकास की यात्रा को दम दे, मदद करें। भाइयों बहनों, देश प्रगति के बिना नहीं चल पाएगा, विकास के बिना देश की भावी पीढ़ी का भला नहीं होने वाला है। और इसलिए हमने विकास के मंत्र